वापस ही ना आए, वहीं क्या हो जाए। महेश भट्ट के साथ बैठ जाऊंगा, हर आदमी महेश भट्ट को पकड़ा हुआ। पाकिस्तान से जो जाता है वो महेश भट्ट के पास जाता है सीधा। एग्जैक्टली, महेश भट्ट ने जो है वहां पे एक इदारा खोला हुआ है पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे। राइट, अच्छा जी, जी हाँ जी, अब हमारी फरमाइशें जो है वो आना शुरू हो गई हैं हमारे कानों में भी कि इनसे कुछ सुना जाए। तो अगर आपके गले को कुछ तरावट थोड़ी सी पहुंची हो तो आप अगर कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें तो मजा आ। मैं अपनी गजल सुना देता हूँ, वो जो दूसरे लोग गा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो है ना कि पर्दा हमारे नाम पे ठांक लड़ाई लोगों ने, गाई हमने, गा कोई और रहा है। चले ये भी अच्छा है, कौन गा रहा है और क्या है, कोई गा तो रहा है ना, गा रहा है, ये बड़ी बात है। ये गजल हाथ दिया उस जो ये है कतिल शिफाई की गजल है जी। हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो वली बन गया एक रात में। हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो वली बन गया एक रात में। हाथ दिया इश्क करोगे तो कमाओगे ना, इश्क करोगे तो कमाओगे ना, इश्क करोगे तो कमाओगे ना, तोहमतें बटती नहीं खैरात में। हाथ दिया, हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो वली बन गया एक रात में, मैं तो वली बन गया एक रात में। क्या बात, जबरदस्त, बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप लोगों ने आवाज सुनी, कैसी लगी जरूर बताइएगा फोन करके हमें। और अगर कोई आपके जहन में कोई गजल इस वक्त आ रही हो, हालात के हिसाब से उदासी बहुत छाई हुई है हालात पे चारों तरफ, तो अगर कोई आपको गजल याद आ रही हो तो आप फरमाइश कीजिएगा, हो सकता है अगर शायद सबको आती हो तो जरूर गुनगुनाएंगे। इस गजल का एक लतीफा मैं सुनाऊं। मैं बांग्लादेश गया तो ये गजल एक फंक्शन में गाई, हमारा एक दोस्त है वहाँ बंगाली, उसने कहा बड़ी अच्छी गजल है यार, बाकी किसी को हाथ में, लड़की के हाथ में हाथ देने से आदमी वली हो जाता है, बीवी को छूता हूँ तो बहन बहन लगती है। जबरदस्त, क्या बात है, अपनी अपनी सोच की बात है वैसे। अच्छा जी, राइट जी, अच्छा आपने अपनी कोई गजल गाने की अभी तक कोई अभी तक नहीं, अभी सोच रहा हूँ कुछ करना चाहिए, कंपोज करवाई जाए और उसको गाया जाए। कंपोजर ही चले गए हमारे। हाँ, कहाँ वो कहाँ चले गए। अच्छा, ओहो, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे। और लेकिन खैर, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर हैं, कुछ अपनी भी कंपोजिंग थोड़ी बहुत है, दिखाऊंगा सुनाऊंगा लोगों को, देखें कैसा होता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप खुद प्ले कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल थोड़ा बहुत, हारमोनियम वगैरह थोड़ा बहुत, अगर गाना गाने का शौक हो तो नॉर्मली लोग फिर सीख ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, बस इसी तरह सीख गया करते करते। बच्चे बच्चे आपके माशाल्लाह से, हमारी दो बेटियां हैं, दोनों को शौक है गाना सुनने का, गाने का, लेकिन दोनों की लाइन अलग, एक बड़ी आर्किटेक्ट है, उसकी शादी हो गई है, छोटी अभी इसने ग्रेजुएट किया, और एक बीवी है। उनको शौक है, उनको सुनने का शौक, सुनने का शौक है। आपको सुनती है या सुनाती है। हमको नहीं सुनती है इतना, आपको सुनाती है। वो सुनती है जरा सा फिल्मी गाना। ओ, फिल्मी गाना, अच्छा, सही। अच्छा, फिल्म देखते हैं बहुत कम। क्या करते हैं फारिग वक्त में आप। बस पढ़ता हूँ कुछ शायरी वायरी किताब, कभी हारमोनियम लेके बैठ जाता हूँ। मौसम असरअंदाज होता है आपकी शख्सियत पे। मौसम कैसे कैसे, मौसम में कैसा आपका बिहेवियर होता है। वहाँ जब यहाँ था तो बर्फबारी के बारे में बड़ा सोचता था कि होना चाहिए और लिखना चाहिए, अब वहाँ बर्फ से नफरत हो गई है। बर्फ में तो मेरा ख्याल में इंसान खुद बर्फ हो जाता है, बर्फ हो जाता है, बर्फ होती है वहाँ पर। लेकिन ये ऐसा मौसम मुझे अच्छा लगता है, ये जो मौसम, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा होता, बहुत है, बहुत ज्यादा अगर हो तो फिर डिप्रेशन हो जाता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है। ट्रू, जैसे यहाँ पर जो है वो डिप्रेशन अब शुरू हो गया है लोगों का, तीन दो यहाँ दिन तो मौसम का डिप्रेशन नहीं है ना, यहाँ तो हालात का, बिजली नहीं है, हाँ, तो पानी नहीं है, ऑफिस टाइम पर पहुँचना है,
बहुत सारे मसले मसाइल है। लेकिन मैं कल सारे चीजों के बावजूद जो है वो कल मैं गई हुई थी सीव्यू पे, ऐसे ही मैंने कहा चलो ड्राइव करते हैं, अम्मी को मेरे बहुत शौक हो रहा था कि मैंने समंदर देखना, तो मैंने कहा चले आपको समंदर दिखा के लाते हैं। तो इतनी पब्लिक थी, इतनी, एक तो संडे था, दूसरा फिर लाइटें घर पे ना हो, पानी ना हो, लोग भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा देखकर। और थोड़ी देर के लिए जो है वो सारी अपनी तकलीफें और परेशानियां भी एक साइड पे चली गई कि लोग ऐसे हालात में भी एंजॉय करते हैं। कुछ लोग बेचारे मेरे ख्याल 15-20 आदमी मरे हैं बारिश में, 45 की तादाद हो चुकी है। और बहुत एहतियात की जरूरत होती है, लोग जो है वो अपने शलवारें वलवारें चढ़ा के ऊपर और नंगे पांव जो है वो निकल पड़ते हैं पानी में, और पोल्स हैं, तारे अंडरग्राउंड तारे हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, पानी में अर्थ है कि नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। बच्चों को भी खास तौर पे बिल्कुल अपने साथ मत लेकर जाएं, और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, जब पानी थोड़ा नीचे चला जाए तो फिर आप लोग बाहर जाएं, इस तरह अपनी जिंदगी से खेलने का कोई फायदा नहीं। गर्मी हो तो मुसीबत, बारिश हो तो मुसीबत। बस हमारी इंतजामिया का कहना यह है कि जी इंतजाम तो बिल्कुल ठीक है लेकिन बारिश कुछ ज्यादा हो गई है। अंजाम ठीक नहीं है। हम लोगों का क्या अंजाम है ये नहीं पता, बहरहाल क्या कह सकते हैं। अच्छा जी सुनाइए फिर कुछ। एक है गजल कलीम आजिज साहब, इंडिया के शायर हैं। जमाने को नींद आ रही है जगाओ, जमाने को नींद आ रही है जगाओ, मेरी जान कोई गजल गुनगुनाओ, जमाने को नींद आ रही है जगाओ, जमाने को नींद आ रही है जगाओ। यहाँ सब करो दिल न हरगिज लगाओ, यहाँ सब करो दिल न हरगिज लगाओ, यहाँ सब करो दिल न हरगिज लगाओ, हम इस धोखे में आ चुके तुम ना आओ, हम इस धोखे में आ चुके तुम ना आओ, मेरी जान कोई गजल गुनगुनाओ, जमाने को नींद आ रही है जगाओ, जमाने को नींद आ रही है जगाओ। क्या बात है, जबरदस्त, राइट, बहुत खूबसूरत। और होपफुली वजीर साहब आपको थोड़ा सा कुछ, यूसुफ साहब, हाँ वजीर साहब याद आ रहे हैं बहुत, आज अभी थोड़ी देर में कॉल आएगी अगर वहाँ पे केबल आ रही होगी, लाइट आ रही होगी तो। अच्छा जी हम लोग जो है वो एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और ब्रेक के बाद हम आपके साथ होंगे, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा और कॉल करके जरूर बताइएगा कि इस वक्त आप लोग जो है वो किस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और क्या क्या जो है वो कुछ तब्दीलियां हुई हैं इन दो घंटों में, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं पता बाहर मौसम कैसा है और बिजली आई है कि नहीं आई है और क्या क्या हो रहा है, तो जरूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम लोग आपके साथ होंगे अभी छोटे से एक ब्रेक के बाद।